रतन सिंह महाराज की साके डरे तमाम, और नगर सिंध तट पे बसो धरो रतन गढ़ नाम। देखिए बंधु, अब आप रतनगढ़ माता की संपूर्ण कथा राजेंद्र सिंह गुर्जर के स्वर में सुने। चरण कमल रज से किया सुपावन मध्य प्रदेश, और दर्शन देकर काट रही जग के कठिन कलेश। देखिए बंधु, के मेहमा सुनी रतनगढ़ माँ की, चल के दर्शन करिए जू। मेहमा सुनी रतनगढ़ माँ की, चल के दर्शन करिए जू। मेहमा सुनी रतनगढ़ माँ की, चल के दर्शन करिए जू। अद्भुत कुंवर देव की झांकी, चल के दर्शन करिए जू। अद्भुत कुंवर देव की झांकी, चल के दर्शन करिए जू। मेहमा सुनी रतनगढ़ माँ की, चल के दर्शन करिए जू। मेहमा सुनी रतनगढ़ माँ की, चल के दर्शन करिए जू। बंधु, आप रतनगढ़ माता का इतिहास राजेंद्र सिंह गुर्जर के स्वर में सुन रहे हैं। सुनिए बंधु, पवाया नगरी में प्रतिहार वंशी महाराज श्री पुण्यपाल जूदेव का शासन हुआ। महाराज श्री पुण्यपाल जूदेव के दो राजकुमार हुए, कुंवर रतन सिंह एवं देव सिंह। बंधुओं, आपको ये ज्ञात करा दूं कि रतन सिंह एवं देव सिंह की शादी किस प्रकार से हुई। देखिए बंधुओं, ज्वाला सिंह के बाद पथरीगढ़ के राजा पारत सिंह हुए। पारत सिंह के सिर्फ दो बेटी चंद्रावती एवं पद्मावती हुई। पारत सिंह ने दोनों बेटियों का स्वयंवर रचाया। पारत सिंह ने स्वयंवर में शर्त ये रखी कि मुझे जो कोई मल्ल युद्ध में पराजित करेगा, उसके साथ में अपनी सुपुत्री सुकुमारी श्री चंद्रावती एवं पद्मावती की शादी करूंगा। बंधुओं, उस स्वयंवर में अनेकों देशान देश से राजा और महाराजा एकत्रित हुए। देखिए बंधु,
अर रच दो पारथ सिंह भूप स्वयंवर भारी, रच दो पारथ सिंह भूप स्वयंवर भारी, रच दो पारथ सिंह भूप स्वयंवर भारी। इधर देखिए आप, कुंवर रतन सिंह एवं देव सिंह शिकार खेलते हुए वे पथरीगढ़ राजधानी में पहुंचकर पारथ सिंह को उस मल्ल युद्ध में पछाड़ देते हैं। तब पारथ सिंह अपनी दोनों बेटियों की शादी कर देते हैं और पथरीगढ़ राज्य के अधिकारी कुंवर देव सिंह को बना देते हैं। कुंवर देव सिंह का न्यायकारी शासन देखकर नगरवासी उस पथरीगढ़ का नाम देवगढ़ रख देते हैं। अभी भी ये देवगढ़ का किला बना हुआ है। इधर देखिए बंधुओं, कुंवर रतन सिंह ने सिंध नदी के किनारे विंध्याचल पहाड़ की चोटी पर अपना सुंदर रमणीक रतनगढ़ नगर बसाया। महाराज श्री रतन सिंह न्यायकारी शासन चलाने लगे। विशेष गौर करिए, प्रतिहार वंश का उदय हुआ गाथा ये अधिक पुरानी है। प्रतिहार वंश का उदय हुआ गाथा ये अधिक पुरानी है। भय रतन सिंह नृप सतधारी उनकी ये अमिट कहानी है। भय रतन सिंह नृप सतधारी उनकी ये अमिट कहानी है। प्यारी थी रानी चंद्रावती देवी की परम उपासक थी। प्यारी थी रानी चंद्रावती देवी की परम उपासक थी। अनुरागपति चरणों में था, अनुरागपति चरणों में था। सुंदर सब गुण में लायक थी। बंधु संतों की सेवा करते थे, रुचि थी भूपत की भक्ति में। संतों की सेवा करते थे, रुचि थी भूपत की भक्ति में। राजाओं में महाराजा थे। थी कमी न कोई शक्ति में। राजाओं में महाराजा थे, थी कमी न कोई शक्ति में। सब था राजा के पुत्र न था, दत्तक भी कोई लिया न था। सब था राजा के पुत्र न था, दत्तक भी कोई लिया न था। विधना ने बेटा दिया न था, घर तो था घर का दिया न था। विधना ने बेटा दिया न था, घर तो था घर का दिया न था।
देखिए बंधु क्या हुआ, अब मैं आपको ये ज्ञात कराऊं कि रतनगढ़ में रतनगढ़ वाली माता बस श्री कुंवर देव का जन्म किस प्रकार से हुआ। बंधुओं गौर करिए, ये कथा आप राजेंद्र सिंह गुर्जर के स्वर में सुन रहे हैं। कि धन रतनगढ़ माई को शुधन कुंवर महाराज और निज भगतन के बचा रही डूबत लाज जहां। देखिए बंधु अरे राखे रही जो लाज, राखे रही जो लाज, राखे रही जो लाज मैया रतन गढ़वारी, राखे रही जो लाज मैया रतन गढ़वारी, राखे रही जो लाज, राखे रही जो लाज, राखे रही जो लाज मैया रतन गढ़वारी, राखे रही ओ लाज मैया रतन गढ़वारी। देखी बंधु सदी तेरवी में राजा भय रतन सिंह ला सानी, विशेष गौर सदी तेरवी में भय राजा रतन सिंह ला सानी, नगर रतनगढ़ सिंध नदी तट भूपत की राजधानी, दास दासी समाज, दास दासी समाज, दास दासी समाज, दास दासी समाज मैया रतन गढ़वारी, राखे रही ओ लाज मैया रतन गढ़वारी। लाज मैया रतन गढ़वारी, राखे रही ओ लाज मैया रतन गढ़वारी, राखे रही ओ लाज मैया रतन गढ़वारी। देखी बंधु क्या हुआ, कि बीते बहुत दिवस ये भांति भूप के भई संतान न जूबी, बहुत दिवस ये भांति भूप के भई संतान न जू, चौथोपन राजा को आयो नृप के भई संतान न जू, चौथोपन राजा को आयो नृप के भई संतान न जू। देखी बंधु क्या हुआ, रतनगढ़ नरेश महाराज श्री रतन सिंह के कोई संतान न हुई, इसी सोच में महाराज रतन सिंह अधिक दुखी होने लगे। महारानी श्री चंद्रावती भी अधिक अधीर होने लगी कि हे स्वामी अब आगे इस राज का अधिकारी कौन होगा।
चौथो पन राजा को आयो नृप के भई संतान न जू। चौथो पन भूपत को आयो नृप के भई संतान न जू। बीते बहुत दिवस ये भांति नृप के भई संतान न जू। बंधुओं, श्री रतनगढ़ महाराज का चौथा पन आ गया, लेकिन जब कोई संतान न हुई वैसे महाराज श्री रतन सिंह संतों का विशेष स्वागत सत्कार करते थे। देव योग से एक दिन महाराज श्री रतन सिंह की राजधानी रतनगढ़ शांति कुंज अमराई आम खोए में पहुंचमान संत आ जाते हैं। महाराज श्री रतन सिंह अपने भवन में लाते हैं और सुंदर आसन पर बिठाते हैं। महारानी श्री संतों के चरणों में अपना सिर नवा के प्रणाम करती हैं। साधु कहते हैं, हे महारानी, आप सदा सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। राजा, तुम्हारे पुत्र पुत्री की कीर्ति संसार में अमिट रहे। संतों के वचन सुनकर के महाराज श्री रतन सिंह अपनी आंखों में आंसू भर के कहने लगे। तब राजा कहने लगे कि धर चरणन में शीश, ओ मेरे ना संतान कोई सुरूठ गए जगदीश। और देखिए महारानी श्री चंद्रावती साधुओं के चरणों में अपना शीश पटक देती हैं। राजा रतन सिंह दुखी होते हैं, कहने लगे, साधु कहने लगे, हे रानी, बस पुत्रवती भव रानी, कह दी संतों ने बानी, अरे घर प्रगटे पुत्र तुम्हारे और चमकत रहे धरन पे युग युग जैसे चांद सितारे। बस पुत्रवती भव रानी, कह दी संतों ने बानी, घर प्रगटे पुत्र तुम्हारे और चमकत रहे धरन पे युग युग जैसे चांद सितारे। बस पुत्रवती भव रानी। बंधु, साधुओं ने आशीर्वाद दिया। रामायण में उल्लेख किया गया है कि प्रभु का कहना है कि मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की लीका। साधु कहने लगे, हे रानी, मृषा न होए, मृषा न होए देव ऋषि बानी,
जय पुत्र पती भवरानी। देखिए साधु कहने लगे, हे राजन आप देवी यज्ञ कराइए। राजा के आदेश से तुरंत ही यज्ञशाला की सजावट हुई, ऋचा वेदियां बनाई, कुल पूज्य पुरोहित को बुलाकर यज्ञ आरंभ हुआ। आठ दिवस होता रहा वेद मंत्र का जाप, और नवे दिवस जगदम्ब का प्रगट हो गई आप। देखिए बंधु, नवे दिन आदि शक्ति विंध्यवासिनी उस यज्ञ वेदी से प्रकट हुई। पूर्ण आहुति दई भुआला और प्रगट भई वेदी से ज्वाला। प्रगट भई वेदी से ज्वाला, पूर्ण आहुति दई भुआला, पूर्ण आहुति हाँ पूर्ण आहुति हाँ पूर्ण आहुति दई भुआला। क्या हुआ? राखत जन की लाज, राखत जन की लाज, राखत जन की लाज मैया रतन गणवारी। राखत जन की लाज मैया रतन गणवारी, राखत जन की लाज, राखत जन की लाज, राखत जन की लाज मैया रतन गणवारी। बंधु क्या हुआ? देवी यज्ञ कराओ भूप ने सुनो सुजन चितलाई। तो महाराज रतन सिंह ने देवी यज्ञ कराया। देवी यज्ञ कराओ भूप ने सुनो सुजन चितलाई। बेटी कुंवर प्रगट भय मक से मेहलन बजी बधाई। खुशी भारी महाराज, खुशी भारी महाराज, खुशी भारी महाराज, खुशी भारी महाराज मैया रतन गढ़वारी। राखत जन की लाज मैया रतन गढ़वारी। देखिए बंधुओं, यज्ञ वेदी से बेटी और कुंवर का जन्म हुआ। रतनगढ़ नगर में आनंद बधाइयां बजती हैं। गजमोतन के चौक पर आए सखियां मंगल गावे, गजमोतन के चौक पर आए सखियां मंगल गावे। महारानी चंद्रावत मन में फूली नहीं समावे। पूरण हो गए काज, पूरण हो गए काज, पूरण हो गए काज, पूरण हो गए काज मैया रतन गढ़वारी। राखत जन की लाज मैया रतन गढ़वारी।
राखत जन की लाज, रखत जन जन की लाज, राखत जन की लाज, मैया रतन गढ़वारी आए हो, मैया रतन गढ़वारी आए हो, मैया रतन गढ़वारी, राखत जन की लाज, मैया रतन गढ़वारी, राखत जन की लाज, मैया रतन गढ़वारी, राखत जन की लाज, मैया रतन गढ़वारी। देखिए बंधु क्या हुआ, के राजा के जन में कन्हैया बधाई बाजे ओ महल में महाराज, बधाई बाजे महल में महाराज, राजा के जन में कन्हैया बधाई बाजे महल में महाराज, बधाई बाजे महल में महाराज, तोपिन से दग रही सलामी, हाँ तोपिन से दग रही सलामी, खुशी छाई नगर में महाराज, खुशी छाई नगर में महाराज, राजा के जन में कन्हैया बधाई बाजे महल में महाराज, बधाई बाजे महल में महाराज, क्या हुआ। सारे रतनगढ़ नगरी में आनंद बधाइयां बजती हैं, अत्यंत खुशी राजा रानी महलन में मंगलाचार हुए, अत्यंत खुशी राजा रानी महलन में मंगलाचार हुए, कुल पुरोहित राजगुरु द्वारा दोनों के नाम संस्कार हुए, कुल पुरोहित राजगुरु द्वारा दोनों के नाम संस्कार हुए, बंधु कुल पुरोहित पंडित ने रतन सिंह महाराज के साके डरे तमाम, और नगर सिंध तट पे बसो धरो रतन गढ़ नाम, देखिए बंधु अब आप रतनगढ़ माता की संपूर्ण कथा राजेंद्र सिंह गुर्जर के स्वर में सुने। चरण कमल रज से किया सुपावन मध्य प्रदेश, और दर्शन देकर काट रही जग के कठिन कलेश,